की 23 सीटें आप देख रहे हैं, मेवाड़ के भी आप 28 सीटें जैसे स्कोरबोर्ड पर देख रहे हैं। फिर यहां के बड़े चेहरे प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइंस जयपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, सिविल लाइन सीट से। महंत बालकनाथ तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा सांसद हैं, और कई लोगों का तो कहना है कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो मुख्यमंत्री की रेस में भी रहेंगे। भरतपुर राजघराने के राजा विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, डीग से। और आरएलडी के सुभाष गर्ग को इस बार चुनाव लड़ रहे हैं भरतपुर से। उधर जगत सिंह, नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह, नदबई से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारे चेहरे एक एक करके आते रहेंगे। इसी तरह से यहां पर तेलंगाना की 119 सीटों का हाल, बीआरएस, कांग्रेस प्लस, बीजेपी प्लस, एमआईएम और अन्य में कैसे बट रही हैं। फिर तेलंगाना के बड़े चेहरे ई राजेंद्र जो है, इटाला राजेंद्र, बीजेपी से लड़ रहे हैं। पहले साथी थे केसीआर के, गजवेल से, और गजवेल से अब केसीआर को ही चुनौती दे रहे हैं। केसीआर जो मुख्यमंत्री हैं वो गजवेल से चुनाव लड़ रहे हैं और कामरेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं, दो सीटों से केसीआर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से तेलंगाना के अलग अलग इलाके, ग्रामीण इलाके, 75 सीटें हैं 119 में, वो कैसे बट रही हैं। ये सारा स्कोर यहाँ आता रहेगा। शहरी इलाके 44 सीटें हैं, वो कैसे बट रही हैं, ये स्कोर यहाँ पर आता रहेगा। और इसके हिसाब से, इसी आधार पर यहाँ पर एक्सपर्ट्स रहेंगे जो विश्लेषण करते रहेंगे। इसके अलावा जिलेवार नतीजे भी यहाँ पर पूरे एक के बाद एक आपको दिखा, यहाँ पर स्कोरबोर्ड पर दिखते रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी जिलेवार नतीजे आएंगे, वो ऊपर की बाई खिड़की में आएंगे। लेकिन यहाँ पर जिले जैसे मध्य प्रदेश के अशोकनगर की 3 सीटें, बड़वानी की 4 सीटें, बालाघाट की 6 सीटें, ऐसे करके सारे जिले जो हैं मध्य प्रदेश के आएंगे। बैतूल की 5 सीटें, भिंड की 5 सीटें, भोपाल की 7 सीटें, राजस्थान के जिले करौली की 4 सीटें, कोटा की 6 सीटें, नागौर की 10 सीटें, ये 10 सीटें कैसे बट रही हैं, पाली की 6 सीटें, प्रतापगढ़ की 2 सीटें, राजसमंद की 4 सीटें, हर जिला राजस्थान
बढ़ा हुआ था पिछले कुछ दिनों से, वो थोड़ा सा ठंडा हुआ है। और कमलनाथ आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान अपने घर में बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह अपने घर में बैठे हुए हैं। आदमी चैन से तभी रहता है, या तो वो एकदम आश्वस्त होता है कि वो जीत जाएगा, या फिर मैदान छोड़ चुका होता है। तो कमलनाथ आराम से अपने घर में बैठे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमें पता है कि 130 सीट मिलने वाली है और मुख्यमंत्री कमलनाथ बनने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, अब धड़कनें जरूर बढ़ रही होंगी नेताओं की, क्योंकि एक दावा कर देना कैमरे के सामने अलग बात होती है, और जो मत पेटियों से पहले निकलता था और अब ईवीएम से निकल रहा है, उसकी धड़कन अलग होती है। पुराने नेताओं ने तो दोनों का अनुभव किया है, मत पेटियों का भी, शाम तक अगले दिन तक जो मतगणना चला करती थी, और अब ईवीएम के 2-3 घंटे 4 घंटे में नतीजे आ जाते हैं। तो कमलनाथ, अरुण, आपको अरुण रोक रहा हूँ क्योंकि भवानी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी ऑफिस जयपुर से। भवानी, तो वहां तो लोग पहुंच गए। देखिए बिल्कुल, किशोर पहुंचना शुरू हो गया और बीजेपी के कई नेता पहुंच चुके हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत है बीजेपी के सीनियर नेता। पहले एक आपको ये दिखा देता हूं, इन तैयारियों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। स्क्रीन लग गई है, यहाँ पर बलून लग गए हैं और पूरे ऑफिस के अंदर एक तरह से इंतजार ही हो रहा है। क्या आप पूरा विश्वास है राजेंद्र सिंह जी, आपने तो पूरी तैयारी कर ली है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है और राजस्थान में स्पष्ट बहुमत मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। आपको पूरा विश्वास है, लेकिन तैयारी तो कांग्रेस ने भी कर ली है। ऐसा है, कांग्रेस ने जाने की तैयारी करी है। पिछले 5 साल जनता भोग चुकी है, किस तरह से ये सरकार किसान विरोधी रही है, किस तरह युवाओं की विरोधी रही है। मिठाई कब आएगी ये बताएं, बाकी क्या तैयारी की, सेलिब्रेशन की तैयारी की आपने? हाँ, पूरी तैयारी है सेलिब्रेशन की। क्या क्या मंगवाया? एलईडी लगवाई गई है, मिठाई भी बन रही है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई संशय ही नहीं है, पूरा बहुमत मिलने वाला है। कितना मिलेंगे सीटें? ऐसा है, राजस्थान की जनता आशीर्वाद देती है ना, तो पूरा देती है। आप इस इतिहास को याद रखोगे कि 160 से ज्यादा सीटें आने वाली है। आप देखिए कि दावा देखिए कि 160 से ज्यादा, लेकिन अशोक गहलोत की भी पूरी तैयारी है, उनको पूरी उम्मीद है कि उनकी योजनाओं के दम पर वो वापस आ सकते हैं। वहाँ कांग्रेस में संशय का माहौल जरूर है, लेकिन बीजेपी यहाँ पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जी किशोर जी, हाँ चलिए आप उधर चलते हैं फिर भोपाल, मनोज के पास, वो शिवराज सिंह के घर के पास बाहर मौजूद हैं। मनोज, उधर बीजेपी राजस्थान में तो पूरी तैयारियां करके बैठी है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की तैयारी तो है। जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे उसके बाद से लगातार बीजेपी में एक जैसे कहें उत्सव का माहौल 2 दिन तक बना रहा, उसके बाद लेकिन सट्टा बाजार के जब वो सामने आए और उसमें कहा गया कि कांटे की टक्कर है, तो वो कांटे की टक्कर की बात जब आई तो उसके बाद थोड़ा सा उत्साह कम हुआ। मगर बीजेपी आज भी मानती है, खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि अगर कांग्रेस कहती है तो कांटे की टक्कर अगर ये है, तो जो कांटा था वो लाडली बहना योजना ने उनकी राह से वो कांटा निकाल दिया है। अभी शिवराज सिंह चौहान के घर पर आप देखिए तो यहाँ पर रोज़ की तरह, हालांकि थोड़ी कोहरे वाली सुबह है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमूमन सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पूजा पाठ चल रहा होगा, और आज का दिन सीएम हाउस के लिए इसलिए अहम होता है, ये जगह इसलिए इम्पोर्टेंट है किशोर, क्योंकि यहाँ पर 16 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है शिवराज सिंह चौहान को रहते हुए। बीच में 15 महीने का छोटा सा वक्त था जब कमलनाथ यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, उसके बाद दोबारा शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आ गए। तो जाहिर तौर पर सारे सत्ता के जो गलियारे हैं उनके रास्ते ख़त्म तो आकर यहीं सीएम हाउस में होते हैं, तो बस लड़ाई इसी बात की है कि आखिर शाम तक जो नतीजे होंगे वो तय करेंगे कि इस हाउस में, इस सीएम हाउस में कौन रहेगा। जी जी, अच्छा उधर अब चलते